हमारे मित्र आज जा रहे हैं और अपना ये सामान पैक कर चुके हैं। मदद नहीं कर सकते हैं फिलहाल। अब मदद करने के लिए करना क्या है? वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। आज का जो दिन है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा उदासी भरा है, क्योंकि अपना दोस्त जो है वो हमेशा के लिए घर जा रहा है। तो ऐसा तो सिचुएशन होता ही रहता है सबके साथ, आज हमारे साथ भी हुआ है। ये पूरा रेडी हो चुके हैं शुभम भाई, और अपना यहाँ पर बाइक भी चकाचक कर चुके हैं, रेडी कर चुके हैं, धो लिए हैं, और अपने यहाँ पर सारा सामान भी ये पैक कर चुके हैं। ये परेशान है क्योंकि इनको लेकर जाना है पेंटिंग भी, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई उपाय हो जाए, शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ इस मैटर पे। तो देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, शायद मैं उपाय कर सकता हूँ। मैं अभी कुछ सामान निकाल चुका हूँ, देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। मैं हल्का फुल्का अभी पैक कर चुका हूँ, देखता हूँ कि बाइक में कहाँ लगाया जा सकता है इसे। पैकिंग हो चुका है यहाँ पर, और बहुत अच्छा से मैंने पैकिंग कर दिया है भाई। पैकिंग तो हो गया है हाँ, और उसके बाद फिर कब मिलना होगा? अब पता नहीं गणेश भैया कब मिलना होगा, जब भी आएंगे बट आपसे मिल के जाएंगे। चलो कोई ना, ठीक है। जीवन चलने का नाम, तू आप भी जा रहे हो तुसी ना जाओ। दोनों फ्रेंड रेडी हो चुके हैं, एक फ्रेंड हमेशा के लिए जा रहे हैं और एक फ्रेंड सिर्फ आज दिन के लिए जा रहे हैं, रात को फिर आ जाएंगे। मित्र रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और लास्ट बार एक बार हग कर लेते हैं। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और आराम से। हाँ भाई, हेलो, आप भी जा रहे हैं इससे? आइए। मित्र चला गया है फिलहाल अपना घर, और कब आएगा पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसका एक नया जॉब लग चुका है जमशेदपुर में, इसलिए वो चला गया। और हम यहाँ पर अभी हैं, मेरा गाड़ी पूरी तरह से पंचर हो चुका है और इसका स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। टायर भी यहाँ पर देख रहा हूँ कि दब गया है, तो टायर ख़राब ना हो ज़्यादा, इसीलिए मैं इसको अब रख देता हूँ और दोस्त का गाड़ी लेकर जाता हूँ। अभी अभी मैं रूम आया हूँ और दोस्त का चाबी मैं ले चुका हूँ, क्योंकि गाड़ी का हवा पूरा जो पीछे वाला था पूरा निकल चुका है, तो यानी कि पंचर है। कल सुबह जाता हूँ, और मैं तो भूल ही गया था कि कल विश्वकर्मा पूजा भी है, तो अभी तो मैं ड्यूटी में ही था, ठीक है। उसके बाद मैं अभी आया हूँ और गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है, और देखता हूँ कल क्या सिचुएशन बनता है, तो मैं उसी हिसाब अपना गाड़ी को बनवाऊँगा। आज अपाची ने तो मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि चार दिन से वो बेचारा चल रहा था पंचर, और मैं उसको चला रहा था, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा हवा नहीं निकला था, और आज बहुत ज़्यादा निकल गया। अभी फ़िलहाल मैं इस गाड़ी को लेकर आया हूँ अपना दोस्त का, कुछ हद तक ये गाड़ी मुझे साथ दिया है, क्योंकि जब मैं ड्यूटी में निकला था उस समय तो हवा था मेरे गाड़ी में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। अभी फ़िलहाल मैं घर में रख दिया हूँ, और कल देखता हूँ, कल विश्वकर्मा पूजा है, अगर कल दुकान खुला रहेगा तो फिर मैं बनवा लूँगा, पंचर बनवा लूँगा, उसके बाद फिर मैं चलाऊँगा अच्छा से। ऐसे दोस्त का गाड़ी भी ले सकता हूँ, लेकिन बार बार नहीं है ना, तो देखता हूँ कल। अभी फ़िलहाल मैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आया था, डिलीवर कर चुका हूँ, और डायरेक्ट अब रूम जा रहा हूँ, क्योंकि आज ऑर्डर का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं था, उतना अच्छा स्थिति नहीं था, उसके बावजूद भी मैंने ऑर्डर किया है, तो अभी जा रहा हूँ, ठीक है, रूम, उसके बाद बात करता हूँ आगे। मैं घर आ चुका हूँ, और आज का जो दिन था वो थोड़ा सा
मतलब दुख वाला था, क्योंकि आज अपना एक दोस्त जो कि काफ़ी महीनों से हम लोग के साथ में था वो आज अपना घर चला गया और पता नहीं कब आएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई तो जाता ही है, तो आज वो गया है, जिसका थोड़ा सा तो गम है ही, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन चलने का नाम चलते रह सुबह शाम। वीडियो एडिट करूंगा, क्योंकि जब एडिट करूंगा ना उस समय दोस्त का बहुत ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि उस समय मुझे बार बार देखना पड़ता है एडिट के समय में कि कहीं कुछ ऐसा मिसिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा मैं दिया तो नहीं हूँ, तो बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, बार बार वीडियो को देखना पड़ता है, तो शायद याद बहुत ज़्यादा आएगा। तो कोशिश करूँगा कि बस चलता रहे। चलो ठीक है, कोई ना, बी हैप्पी, है ना। तो अभी के लिए मैं आप लोग को बस इतना ही बोलूँगा, देखिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, बस मैं आप लोग को इतना ही बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करने ना भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।